नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के अभी लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुणे से लाइव करने जा रहे हैं और हमारे साथ वैद्य आयशा जी हैं। और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। वैद्य आयशा जी, आपका बहुत स्वागत है। आज आपका दिन है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और ओवर टू यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया पुष्कर जी। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल वुमेन वॉचिंग देयर। नमस्कार, मैं वैद्य ईशा नानल पुणे से। जैसे कि आज महिला दिवस है, वैसे तो किसी भी औरत के लिए एक कोई दिन देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, क्योंकि जो जिंदगी का पहिया है वो महिला के बिना एक भी दिन नहीं, एक भी पल नहीं चल सकता है। वो सुबह से लेके रात तक फैमिली के लिए हर एक पॉसिबल तरीके से अपना इनपुट देती रहती है, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो किसी भी वर्क फ्रंट पे हो। तो मुझे लगता है कि आज महिलाओं का दिन है, तो कुछ महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहिए और कुछ छोटे छोटे टिप्स और कुछ मिथ्स एंड कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो एक सुंदर औरत को और सुंदर और हेल्दी रखने के लिए कैसे पॉसिबल रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल रहा है, हमारा काम करने का तरीका, हमारे सोने का जो साइकिल है और खाना खाने का साइकिल है। और स्पेसिफिकली अगर एक वर्किंग वुमेन है, जहाँ तक अभी मैं रोज हमारे दिनचर्या में पेशेंट्स देखती हूँ, तो 70% जो वुमेन है दे आर वर्किंग, दे आर इक्वली हैंडलिंग शोल्डर्स विद मेन। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनकी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज रहती है और उनका खाने पीने पे या अपनी तरफ उतना ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि दे हैव टू हैंडल वर्क, फैमिली, किड्स एंड एवरीबडी। तो जब काउंसलिंग करते हैं या जब देखते हैं, तो कुछ खाने से शुरुआत करते हैं। तो खाने की अगर शुरुआत करें, तो बहुत सारे लोग हेल्दी रहने के लिए जिम की शुरुआत करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहली चीज़, जिम, वहाँ पे अगर हम जब जाते हैं तो कई बार बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑफिस में, तो ओबेसिटी इज बिकमिंग वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, कि वेट गेन होना या वेट फ्लक्चुएटिंग होना। और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा औरतें स्टार्वेशन पे जाती हैं, कि भाई दे आर स्किपिंग देयर मील्स टू लूज वेट, पर उसमें से एंड रिजल्ट जीरो रहता है विथ ऑल मंथ लॉन्ग। फिर भी वजन हार्डली 1-1.5 किलो शिफ्ट होगा, उसके बिना बाकी होता नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ वहाँ पे आती है, जब आप जिम में जाते हो तो वो बोलते हैं कि आप, एक न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ बैठी रहती है और वो बोलती है कि भाई आप अपना कार्ब्स बंद करो, फैट्स बंद करो, शिफ्ट मोर ऑन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की जहाँ बात आती है, तो सबसे पहले आता है स्प्राउट्स या प्रोटीन शेक्स। तो कई बार लड़कियाँ आती हैं और वो बोलती हैं कि स्प्राउट्स खाने के बाद हमें ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, या द अदर प्रॉब्लम विच कम्स इज कॉन्स्टिपेशन, कि काफ़ी मतलब स्टूल फॉर्मेशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। या अगर वो प्रोटीन शेक्स अगर उन्होंने अपने डाइट में शुरू किया, तो थोड़े दिनों में लूज मोशंस होने लगते हैं, एंड देन दे रियली डू नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इट, कि ये किस कारण की वजह से हो रहा है। तो आयुर्वेद का थॉट प्रोसेस ये प्रोटीन शेक्स या जो हम स्प्राउट्स लेते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अलग है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, तो जो स्प्राउट्स हैं वो वात प्रकोपक आहार है, जो शरीर में वात का प्रकोप करते हैं और उसकी वजह, और वो पचाने में हैवी रहते हैं। और स्पेसिफिकली जितना ज़्यादा आप अंकुर करके वो स्प्राउट्स खाते हैं, तो वो पचाने में और भी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो अगर एक जो अभी हम अगर अग्नि का कैटेगराइजेशन करें या डाइजेशन का कैटेगराइजेशन करें, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट डाइजेशन, कि कोई ज़्यादा भी खा ले तो भी इजिली पचा सकता है, कोई थोड़ा खाए तो भी घंटों भर पचा नहीं सकता। तो हमारी डाइजेस्टिव पावर कितनी है उस पर हम डिपेंड करता है कि ये हम पचा पाते हैं या नहीं पचा पाते हैं। तो वहाँ पर मैं कुछ मॉड्यूलेशंस
बोलना चाहूंगी, क्योंकि शायद वो मेरे से सहमत ना होंगे अगर मैं उनको बोलूं कि आप बाबा स्प्राउट्स बंद कर दो। तो अगर आपको स्प्राउट्स नहीं भी बंद करना है तो उन लेडीज के लिए मेरा एक ऐसा सजेशन रहेगा जो मैं मेरे क्लिनिक में भी बच्चों को या समझाती हूँ या पेशेंट्स को समझाती हूँ कि स्प्राउट्स उबाल के खाएं। पहली चीज बॉयल इट, तो बॉयल करने की वजह से या स्टीम करने की वजह से एक सीटी अगर आपने उसको कुकर में दे दी तो वो पचाने के लिए थोड़ा हल्का हो जाता है, उसका जो गुरु गुण है वो कम हो जाता है, सो इट बिकम्स ईजियर टू डाइजेस्ट। उसके साथ अगर आप उसमें उसको घी या थोड़ा जीरा और हींग का तड़का देते हैं और उसके साथ अगर अच्छी मात्रा में अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो अदरक जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में वो अग्नि दीपन का भी काम करता है, मतलब जिससे कि आपका डाइजेशन सुधर सके, और वो इवन जो ये स्प्राउट्स हैं उसमें से जो शरीर में वात तैयार होता है उसको भी कम करने का काम अदरक करती है। तो एक अच्छी मात्रा में अदरक का इस्तेमाल करें और सेंधा नमक चाहिए तो आप उसमें यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ लेमन जूस। तो ये अम्ल रस, ये अदरक का रस और जो उसमें हमने थोड़े से डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले जैसे कि जीरा है और थोड़ा सेंधा नमक है, तो ये उसको वात प्रकोप उसका कम करता है, पचाने में हल्का हो जाता है और वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको स्प्राउट है, और दूसरी चीज उसको अंकुर मत आने दीजिए, आपको अगर खाना है तो रात को भिगाइए, सुबह खा लीजिए उसको तो वो चलेगा। और कोशिश करिए कि कच्चा ना खाएं आप, क्योंकि कच्चा खाने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपको उसमें से मेंसेस में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, पीरियड्स में पेन की शिकायत आती है कि बिफोर पीरियड्स कमर दुख रही है या पीरियड्स के फ्लो होते समय भी जो एक पेन की चांसेस बने रहते हैं कि पेन हो रहा है या क्लॉट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो हम प्रोटीन के नाम पे स्प्राउट्स ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात जो हमने की प्रोटीन पाउडर्स, तो बेसिकली कैसा है कि आप प्रोटीन नेचुरल तरीके से जितना इनटेक कर सके, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप नेचुरल प्रोटीन जो आपको मूंग की दाल से अच्छा मिल सकता है या किसी भी टाइप की आयुर्वेद में उससे एक अच्छा प्रोटीन आपको मिल सकता है, तो आप नॉर्मल प्रोटीन की बजाय जो प्रोटीन पाउडर है उसके बजाय नेचुरल जो प्रोटीन से अगर आप उसका इनटेक करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और प्रोटीन पाउडर अगर आपको लेना है तो उसमें भी जो नॉर्मल प्रोटीन पाउडर है उसका इस्तेमाल करिए। अगर आपको प्रोटीन पाउडर लेने के बाद अगर आपको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आपको पच नहीं रहा है, योर बॉडी हैज़ टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट टू डाइजेस्ट दैट प्रोटीन, और वो अगर आप ले भी रहे हो तो वो लूज मोशन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, सो दिस इज़ नॉट डूइंग एनी गुड टू योर बॉडी। तो वहाँ पे मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि पहले आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना चाहिए, वो विथ एक्सरसाइज हो सकता है या विथ चेंज इन लाइफस्टाइल हो सकता है, और फिर एक बार आपका थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रोसेस जब सुधर जाए तो फिर आप थोड़ा सा प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तीसरा एक जो हमें फूड आइटम मेजरली विमेन में दिखता है कि कर्ड, दही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो औरतें ही ज़्यादा खाती है, बट हाँ लोगों का ऐसा मानना है कि कर्ड इज़ गुड फॉर स्टमक और पेट ठंडा रखता है और पेट के लिए अच्छा रहता है और उसमें से हमें कैल्शियम मिल रहा है, और हम दूध की बजाय हम कर्ड हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं कैल्शियम के लिए। तो मेरा मानना है कि दही का जो सेवन है आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो वो समर सीजन के लिए कर्ड के बारे में बात की गई है। उसका एक सीधा सा लॉजिक जो हमेशा मेरे पिताजी मुझे समझाते थे जब मैं वो मुझे सिखाते थे आयुर्वेद, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप दही के ऊपर की अगर आप लेयर स्पून से आप सेपरेट करें तो आपको उसके नीचे पानी दिखता है। तो मतलब अगर जो दही का गुण है वो ग्राही है, मतलब वो हर चीज़ को होल्ड करके रखने का काम दही का है, तो उसी तरह से जब आप दही का सेवन करते हो तो वो शरीर में हर चीज़ को होल्ड करके रखता है, और इट डिमांड्स जो शरीर का पानी है या हम क्ले बोलते हैं और मेद बोलते हैं उसको भी वो होल्ड करके, यस इट हैज़ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए एक अच्छी बैक्टीरिया है,
पर अगर जो औरतें स्पेसिफिकली दही का बहुत ज़्यादा सेवन कर रही हैं तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि लॉन्ग टर्म में अगर वो दही आपको अगर पच नहीं रही है या अति मात्रा में अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो इट लीड्स टू वाटर रिटेंशन एंड ओबेसिटी. स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा दही खाने वाली औरतों को सुबह उठने के बाद शरीर में एक भारीपन बना रहता है, आँखों के नीचे थोड़ी सूजन रहती है या आँखों में भारीपन बना रहता है, पाँव में सूजन रहती है या सुबह उठने के बाद पाँव में एक भारीपन बना रहता है, जो पेशेंट जनरली बोलता है कि थोड़ा सा हमने वॉकिंग की या चलने के बाद वो कम हो जाता है जो स्टिफनेस है. तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि योर बॉडी इज इंडिकेटिंग कि इट इज स्टार्टेड टू रिटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. तो आपको दही का सेवन कम करना चाहिए. दही रात को पूरी तरह से निषेध है. आपको दही का सेवन रात में नहीं करना है क्योंकि उससे कफ शरीर में तैयार होता है और वो सारे शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट करता है अगर वो रात को आप ले रहे हैं. दही अगर खाना भी है तो दिन में खाना है चाहिए तो उसको अच्छा एक मट्ठे की तरह आप उसमें जीरे हींग का, देसी घी का, अदरक के साथ, थोड़े से धनिया के साथ आप मट्ठे की तरह तड़का लगा के ले सकते हैं. गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मिश्री के साथ या शक्कर के साथ ले सकते हैं. समझ में दही क्यों लेने को बोला है, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर आपका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है. तो वाटर रिटेन बॉडी में होना चाहिए और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए दही खाने के लिए बोला है समर्स में. तो ये एक थोड़ा मिथ है कि हम दही किसी भी सीजन में खा लें. वर्षा ऋतु में एकदम दही का सेवन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वात का प्रकोप रहता है और बाहर के जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम रहता है. तो ठंडी में और बारिश में दही नहीं खाना चाहिए. और गर्मियों में यस आप ले सकते हैं, एक कटोरी भर दही अच्छा है हेल्दी गट रखने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. बट एक्सेसिव अमाउंट कि हम रोज अगर आपके दही आपके खाने में आ रहा है तो यस इन लॉन्ग टर्म इट विल डेफिनेटली गिव यू रिटेंशन. चौथा एक जो कई बार हमें फूड आइटम जो दिखता है वो है मूंगफली. तो अगर हम मूंगफली का विचार करें तो ऑफकोर्स इट गिव्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, पर अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जहाँ पे आपको कभी काफ़ी स्ट्रेस मेंटेन रहता है या पित्त का प्रकोप हो रहा है, हेडेक्स बने हुए हैं, हम मूंगफली मना करते हैं. मतलब मूंगफली नहीं खाना चाहिए. जबकि हम ज़्यादातर अगर हम देखें तो उपवास में जब हम कोई भी व्रत रखते हैं किसी भी फेस्टिव सीजन में, अगर हमें उपवास आया तो मूंगफली तल के खा ली, या उपवास में आलू के सब्जी के साथ भी मूंगफली जाती है या बाकी किसी भी चीज़ में, बिकॉज इट इज़ हाईली इनटेकन. तो ऑलरेडी आप उपवास कर रहे हैं, वहाँ पित्त का प्रकोप हो रहा है और आप वहाँ पे मूंगफली अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ग्राउंड नट, तो वो और ज़्यादा पित्त का प्रकोप करेगा. इट विल लीड टू अ कॉज ऑफ एसिडिटी. तो थोड़ा बहुत खाने में मूंगफली का तेल या मूंगफली चल सकती है, पर अगर आप रोज अगर आपके खाने में मूंगफली का इस्तेमाल हो रहा है तो दैट विल डेफिनेटली लीड टू एसिडिटी, लॉन्ग टर्म एसिडिटी. चौथा जो पांचवा अगर मतलब आइटम हम देखें तो शेक्स, प्रोटीन शेक की बात हम कर चुके हैं, अब हम आते हैं मिल्क शेक. बनाना शेक आप लेते हो या स्ट्रॉबेरी शेक लेते हो तो कोई भी दूध और फल, ये जो कॉम्बिनेशन बोला गया है लॉन्ग टर्म स्किन टेक्सचर, बालों का टेक्सचर, आईस आता है, लीड टू कॉज फॉर डिफरेंट डिजीजेस. तो आप हम बोलेंगे अरे दूध और फल खाने में, यस दूध इंडिविजुअली अच्छा होता है खाने में, फल इंडिविजुअली अच्छा होता है खाने में. इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि अगर हम स्ट्रॉबेरी देखते हैं या अगर हम केला देखते हैं तो उसका इनिशियल अगर हम उसका रस देखेंगे तो वो खट्टा रहता है, और अगर हमें दूध को फाड़ना है तो हम क्या करते हैं, उसमें खटाई डालते हैं या नमक डालते हैं, दूध सेपरेट हो जाता है. तो छेने के गुण अलग हैं, जो फटे हुए दूध का पानी आता है उसके गुण अलग है और खुद दूध का गुण जो है वो अलग है. तो अगर आप जब ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यू आर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉबेरी शेक या बनाना शेक, तो ये लॉन्ग टर्म में आप
बॉडी में जाके भी ये वही काम करता है. तो जो आप फॉर्म में ले रहे हैं तो वो दूध को अंदर पेट में जाके फाड़ देता है, तो आपको वहाँ पे दूध के गुण नहीं मिलते हैं, फटे हुए दूध के गुण मिलते हैं. जो तीन फ्रूट आयुर्वेद में बोले गए हैं जो आप दूध के साथ ले सकते हैं वो है अंजीर, चीकू और आम. ये तीन फ्रूट अगर आप दूध के साथ भी शेक्स बना के अगर ले रहे हैं तो ये शरीर का भरण पोषण पुष्टिदायक है, बलदायक है. इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड इट गिव्स यू अ हेल्दी बॉडी. इसके अलावा आप किसी भी फ्रूट का अगर कॉम्बिनेशन दूध के साथ कर रहे हैं तो ये आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध अन्न है. तो आप अगर ये लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप ये ना लें, ये पूरी तरह से आपके लिए हानिकारक है और लॉन्ग टर्म में इट कैन लीड टू मेनी डिजीजेस. कुछ एक कॉम्बिनेशंस ऐसे भी मैंने देखे हुए हैं कि बहुत सारे लेडीज को रात का बासी बची हुई रोटी है तो वो चाय के साथ लेने की आदत है. ये जो कॉम्बिनेशन रोटी और चाय का कॉम्बिनेशन, दैट आल्सो इज वन ऑफ द रीजंस फॉर एंड बाकी स्ट्रेस है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जल्दी एजिंग जो होती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से. बासी खाना तो वैसे ही आयुर्वेद में निषेध बोला गया हुआ है और जब आप ये कॉम्बिनेशन करते हैं कि बासी रोटी और चाय का, तो ये और भी ज़्यादा उसको मल्टीफोल्ड में इन्हांस कर देता है. तो ये कॉम्बिनेशन हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. और अगर हम फूड आइटम्स या लाइफस्टाइल की अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग डाइटिंग के नाम के नीचे दे अवॉइड देयर ब्रेकफास्ट, दे स्किप देयर मील्स. तो देयर इज़ अ फ्रेज विच हम हमेशा स्कूल में भी पढ़ते थे, योर हाउस शुड बी योर फूड, योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग एंड योर लंच शुड बी लाइक अ क्वीन एंड योर डिनर शुड बी लाइक अ बेगर. तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत पे ही है कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इनिशियल पार्ट है आपकी डेली रूटीन का, एक हेल्दी लाइफ का. सो ऑल योर लेडीज, इफ़ यू वांट टू स्टे ब्यूटीफुल, प्लीज़ डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट. इट इज़ द मोस्ट असेंशियल पार्ट. ब्रेकफास्ट अगर ये शब्द ही हम देखें तो रात के खाने के बाद आप उठने तक, सुबह उठने तक आपका फास्टिंग पीरियड रहता है. आपकी बॉडी में जो खाया हुआ खाना है वो पच के पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है और वो एक 12 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का ये एक फास्टिंग पीरियड होता है. तो उसको ब्रेक करने के लिए सुबह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आफ्टर योर डेली रूटीन आप स्टूल और यूरिन पास करने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लेंस रहता है, नेचुरल जूसेस बॉडी में सिक्रीट होते हैं. तो उस समय जो भी आप आपकी बॉडी में इनपुट दे रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ हेल्दी एंड ब्यूटिफुल बॉडी. तो इसलिए वो आपको कभी भी स्किप नहीं करना है. आई ऑलवेज एडवोकेट कि सुबह का वो न्यूट्रिशन, आप वो 4 एलमंड ले सकते हैं, रेजन्स ले सकते हैं, अ गुड ग्लास ऑफ मिल्क विथ टर्मरिक, इससे आप आपके सुबह की ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर सकते हैं. एंड देन लेटर यू इट शुड बी फॉलोड बाय योर रेगुलर, जो भी आपको रेगुलर रूटीन में आपके आपके हर देश और प्रांत के हिसाब से जो भी नाश्ता आपको मिल रहा है, जो लोकली आपके यहाँ बनाया जा रहा है, वो उपमा हो सकता है, पोहे हो सकते हैं, घावन हो सकता है, ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ. इसी आपको रेगुलर रूटीन में मिल रहा है लोकली जो आपके हैं, वो आप नाश्ता, कुछ काफ़ी लोग पराठा सब्जी सुबह खाते हैं. तो ये जो पहला जो वो एक हेल्दी कॉर्पस जाना चाहिए, उसके एक घंटे दो घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट में जो भी आप सब्जी है, पूरी भाजी है, वॉट एवर इट इज़, वो आप खा के देन यू कैन स्टार्ट विथ योर वर्क. योर लंच शुड बी जो पूरा उसका एक प्रॉपर कॉर्पस होना चाहिए, उसमें दाल दैट इज लाइक पल्सेस, वेजिटेबल्स, तो उस वेजिटेबल्स में भी जो फ्रूट वेजिटेबल्स है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करिए आपके खाने में, जैसे कि भिंडी है, गोभी है, फ्लावर है, फ्रेंच बीन्स है,
ये सारी जो नॉर्मल जो फल सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करिए, सैलड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक छोटी कटोरी चावल इज गुड इनफ, रायता अगर आपको लेना है तो जैसे मैंने बोला कि दही आपको दोपहर में आपको अगर खाना है तो आप रायते के फॉर्म में, या सिर्फ दही अगर है तो वो आपके मील के साथ जाना चाहिए। और यस, अ गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट शुड ऑल्सो गो इन योर मील। और रात का जो खाना है, रात का खाना मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश करिए कि वो 7-8 बजे तक यू शुड फिनिश। अगर नहीं पॉसिबल है सो इफ यू आर इन ऑफिस मे बी यू नो यू कैन कैरी समथिंग कि आप वहाँ पे आपका टिफ़िन खा लें, या एक अच्छा कॉर्पस वहाँ दूध उस वक्त अगर 7-8 बजे एक अच्छा ग्लास भर के दूध पी सके, ऑफिस में भी है तो आपको दूध वहाँ ईजिली अवेलेबल रहता है, और मे बी गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट आप ले सकते हैं। एंड रात का आपका कोशिश करिए कि आपके सोने और आपके खाने में 3 घंटे का गैप होना चाहिए, बिकॉज योर फूड नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। तो लाइट फूड लेना है और सोने में और खाने में 3 घंटे का, कि हमने 9 बजे खाया तो फिर 12 बजे अभी आप सो रहे हैं, तो इसीलिए मेरा मानना है अगर आप कोशिश कर सकते हैं, इफ़ यू कैन पुश योर डिनर बिफोर 9 इट विल बी वेरी गुड। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप इफ़ यू आर वर्किंग यू आर स्टक इन द मीटिंग, तो रात को मील स्किप कर दीजिए, एक अच्छा बड़ा ग्लास दूध का ले सकते हैं या कुछ सूप्स ले सकते हैं, एंड दैट विल बी इनफ फॉर द नाइट। सो दिस रूटीन विल कीप यू हेल्दी, कीप योर टमी हेल्दी, विल कीप यू फिट। एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार इज, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू गो टू जिम, तो घर में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन है, पद्मासन है, अलग अलग थोड़े आसन कर सकते हैं। वो भी चलो टाइम नहीं मिल रहा है तो बहुत सिंपल एक तरीका मैं बोलती हूँ, आप जहाँ भी ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में हैं तो आपके यहाँ फ्लोर्स होंगे, तो एक 10 मिनट घड़ी में टाइमर लगाना है, 10 मिनट अप एंड डाउन, मतलब ऊपर सीढ़ी से ऊपर जाना है एक फ्लोर, वापस उतरना है, फिर ऊपर जाना है, वापस उतरना है, ऐसा एक 10 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका जो कार्डियो है, कार्डियो एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी रहती है, इट हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म। और सिर्फ चढ़ना है ऐसा नहीं है और सिर्फ उतरना है ऐसा नहीं है, दोनों। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ फूड के बारे में है, तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ फॉलो कर सकते हैं। एंड एक लास्ट जो मैं आपको इनपुट देना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा आजकल फैट चल गया है कि देयर आर लॉट ऑफ फूड स्टफ इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट, जैसे कि ब्रोकोली है, जुकनी है या किनोवा है, तो हम बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई फील कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काफ़ी रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो वेस्ट से आता है वो हमारे लिए अच्छा है और जो इंडियन है वो उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है, या तो ऐसा नहीं है, वी वर मोर सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग बैक, जब वहाँ पे दे वर प्लेइंग विद बोज एंड एरोज एंड वी वर मोर सिविलाइज्ड एंड वी वर डूइंग कल्टिवेशन एंड हमने काफ़ी हमारा सिस्टम डेवलप कर लिया था। तो ये सारे जो मैं ये बात करने की बात इसलिए आई है कि ये जो वेस्ट से आए हुए वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं ये बुरा है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, पर ये हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें हम पचा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है, हमारा बॉडी है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारे यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, जो हम बचपन से खा के बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज लाइक इफ यू सी आवर ग्रैनीज दे लिव्ड 90+ और आज हम 60 साल में हम हमारे घुटने पकड़ लेते हैं। तो ये जो शिफ्ट है ये किस वजह से शिफ्ट है, बिकॉज वी आर गोइंग मोर एंड मोर वी आर थिंकिंग कि जो वेस्ट से आ रहा है वो अच्छा है और जो इंडियन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखेंगे और उस हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, या जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उसका आप इनटेक आपके डेली रूटीन में रखेंगे, सो दैट विल कीप यू मोर हेल्दी विच योर बॉडी कैन डाइजेस्ट। सो भारती खाइए, आयुर्वेदिक खाइए और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपनाइए, और जो इंडिया में है वो कल्चर बहुत सिस्टमिक है,
बहुत सिविलाइज्ड है और बहुत कैलकुलेटिव है. तो अगर आप उसको थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे और उस हिसाब से फॉलो करेंगे, तो मेरा मानना है कि हम ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छे बने रहेंगे. धन्यवाद. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको फिर से एक बार बहुत बधाई. और जय आयुर्वेद, जय महाराष्ट्र, नारी शक्ति की जय. धन्यवाद.